हेलो व्यूअर्स, मैं हितेश गोस्वामी फाइनल रिपोर्ट की टीम से आज आया हुआ हूँ अपने जायका सेक्शन के लिए भगत पनीर पे। जो सिचुएशन है बिल्कुल वी मार्ट के सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगी अलग अलग वैरायटी की सारी मिठाइयाँ बिल्कुल फ्रेश। आइए आपको दिखाएं कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। स्टार्ट होता है दूध उबालने से, दूध उबाल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट होता है। ये जैसे दूध यहाँ पे उबल रहा है अलग अलग बर्तनों में। अब इसके बाद यहाँ पे इस दुकान के ओनर है मिस्टर वीरेन जी। वीरेन जी आप बताइए, ये जैसे ये पनीर है, ये क्या है? ये गर्म पानी हो रहा है, जब छेना पड़ता है रसगुल्ला लगता है पानी गर्म। अच्छा अच्छा, और इसके बाद रसगुल छेना फटता है दूध का, गाय का दूध का घोल हम फाड़ते हैं पनीर। ओके, छेना गाय का दूध का छानते हैं, छान करके जो है अपना जो है इसको बनने में एक घंटा लगता है एक बार में, तो एक एक बार जब पड़ता है 100-150। अच्छा, रसगुल्ला उसके 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी एक खास बात है कि हमें गरम गरम रसगुल्ला खाने को मिल सकता है। खाइए, ठंडा खाइए, आप इच्छा जैसे खाए। मान लीजिए तैयार रसगुल्ला होगा, उसमें बड़ा है नींबू पड़ेगा। हाँ, देखिए वो फूल का बड़ा हो गया। हाँ देखिए, तो ये गोरखपुर न्यूज़ है। अच्छा, तो जब भी आपको फ्रेश प्योर शुद्ध मिठाई खाने का जी करे आप यहाँ आ सकते हैं भगत पनीर पे। ये हमारे पैडलेगंज में स्थित है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।